हेलो गाइस, वंस अगेन दिस इज़ अपर्णा हियर। गाइस, आज आपको मैं एक नई चीज़ सच नया नुस्खा सिखाने वाली हूँ रिगार्डिंग हेयर्स। जैसे कि आज के तारीख में आप जानते हैं कि आज के तारीख में काफ़ी कंप्लेंस है हेयर फॉल्स, जैसे हाँ पार्लर पे खर्चा करते हैं हेयर स्मूथनिंग या फिर आप हेयर फॉल के लिए या डैंड्रफ वगैरह के लिए, राइट? तो आज एक नया चीज़ मैं सिखाने वाली हूँ जो कि टोटली नेचुरल है और आपके लिए, बाल के लिए बहुत ही अच्छा है। वैसे मुझे नुस्खा मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। आप मेथी तो जानते होंगे, मेथी का दाना जो बाज़ार में इजीली अवेलेबल है, मेथी का दाना मैं क्या करती हूँ, रोज़ सुबह मैं मेथी का पानी पीती हूँ तो वो दाना मैं फेंकती नहीं हूँ, मेथी का दाना जमा के रखती हूँ। मेथी का जब दाना जमा हो जाता है तो एज़ पर माई वीक ऑफ, लाइक आई हैव वन डे वीक ऑफ, सो एज़ पर माई वीक ऑफ वॉट आई डू, मेथी का दाना और दही, हाँ अगर आप चाहें तो आप उसमें अंडा मिला सकते हैं, एक अंडा आप मिला सकते हैं। अगर आप अंडे नहीं खाते हो कोई बात नहीं, मेथी मैं क्या करती हूँ, मेथी का दाना, दही, नारियल दूध ये मिक्स कर देती हूँ, या तो आप चाहें तो उसमें मेथी का दाना, अंडे या तो नारियल दूध मिक्स कर दें, उसको पीस दीजिए, एक फाइन पेस्ट बन जाएगा। फाइन पेस्ट जैसे ही बन जाता है तो आप उसको अपने पूरे बाल पे लगा लीजिएगा, जैसे एंड टू एंड पूरा, जैसे अंदर आप इसमें पूरा लगा लीजिएगा, ठीक है? लगाने के बाद जो है आप उसको 2 घंटा छोड़ दीजिए, 1.5 से 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटा छोड़ने के बाद जो है अगर आपने उसमें अगर अंडा मिक्स किया है तो श्योर प्लीज़ आप शैम्पू से बाल धो दीजिएगा, वरना बहुत गंद आएगी। और अगर आपने दही, मेथी के दाने और नारियल दूध से अगर किया हो तो कोई बात नहीं, आप उसको प्लेन पानी से धो सकते हैं, ठीक है ना? और ये आपको हफ्ते में 1 या 2 बार करना है। आप ये करते रहेंगे तो देखना आपके बाल काफ़ी मजबूत हो जाएंगे, काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। हाँ, जिनके बाल फ्रीजी है कि कर्ली हैं उनके बाल भी सिल्की हो जाएंगे। सो गाइस, प्लीज़ आप ये नुस्खा ज़रूर ट्राई कीजिए, पूरा हार्मलेस है। हाँ, अपने कमेंट ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे अहेड।